जा सकता है कि व्हाइट पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ग्रीन पार्ट जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टार। ठीक है, इस पूरी चीज का जवाब लिखा हुआ है यहाँ पे। याद रखिएगा व्हाइट जो है वो माइनॉरिटी के लिए होता है, लिखते जाइए अपने पास कि व्हाइट पार्ट जो है वो माइनॉरिटी के लिए है, ग्रीन वाला मेजॉरिटी मुस्लिम्स के लिए है। ये जो फाइव है ना, ये पांच पिलर है इस्लाम के, स्टार के जो आपके फाइव कॉर्नर्स होते हैं ना, ये पिलर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये दो तीन एमसीक्यूज आप यहाँ से करें। उसके बाद है कि डिजाइन किसने किया सप्लाई, यहाँ देखे नाम लिखा हुआ है सैयद अमीरुद्दीन के दुबई, ये थे जिन्होंने फ्लैग को डिजाइन किया था और 11 अगस्त 1947 को जो फ्लैग है वो आपका अप्रूव हुआ था। सही कि ये वाला हमने फ्लैग रखना है इसके अंदर। अब देखिए एक बात से हमने तीन चार नई चीजें सीखी। सही, नेक्स्ट अप इज नेशनल फ्लावर, पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन, तो इसे चमेली कहते हैं उर्दू में और इंग्लिश में क्या कहते हैं, जैस्मिन। ठीक है, बाकी और इसका कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कौन सा कलर है इसका क्या, भाई चमेली और जैस्मीन आपको पता होना चाहिए। नेशनल एनिमल हमारा कौन सा, मारखोर है। ठीक है, लिखते जाओ नेशनल एनिमल मारखोर है। तो आपका जो नेशनल लोगो है उस पर क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे हमारा जो नेशनल लोगो उस पर लिखा हुआ है, ये आप देखिए किसी भी गवर्नमेंट के आप इदारे में जाएंगे ना, ये इस तरह का एक उनका मोनोग्राम होता है हर जगह लगा हुआ, उस पर क्या चीजें होती है, उस पर क्या क्या होता है, उस पर लिखा हुआ होता है यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, जो कायदे आजम ने फरमाया था। ठीक है, और क्या होता है, उसमें चार मेजर क्रॉप्स भी होती है, कौन कौन सी, जो पाकिस्तान में चार है, कॉटन, वीट, टी एंड जूट। नेक्स्ट हमारे पास है कि पाकिस्तान का जो कौमी तराना है उसके बारे में सवाल आ सकता है आपके पास जी, इसकी कंपोजिशन किसने की थी, लिरिक्स किसने लिखे थे, तो इसकी जो कंपोजिशन है वो अहमद जी छागला ने की थी और अब्दुल असर हफीज जालंधरी ने क्या किया था, इसके लिरिक्स लिखे थे। कंपोजिशन इज लाइक के म्यूजिक देना, वर्ड्स को सेट करना, लेकिन लिखा किसने था वो इन्होंने लिखा था, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट हुआ था ये कब, 13 अगस्त 1954 को, याद रहे आपको कि हम आजाद हुए 14 अगस्त 1947 को, लेकिन तराना जो है ना उस टाइम तक हमारा फाइनल स्टेज पे नहीं था, तो सबसे पहले ही आपके पास आया कब है, 1954। ठीक है, इसी तरह देखें कि उर्दू जो है वो आपके पास जो आपकी नेशनल लैंग्वेज है, और उर्दू में मुझे बताएं कि कितने लेटर्स होते हैं, उर्दू अल्फाबेट जो है 36 है इसका आंसर, 36 अल्फाबेट्स हैं उर्दू के अंदर। फिर ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो सब बच्चों बच्चों को पता होती है, फादर ऑफ द नेशन कायदे आजम है, फर्स्ट गवर्नर जनरल भी कायदे आजम, मदर ऑफ नेशन फातिमा अली जिन्ना को कहा जाता है, ये बात हमें पता है, तो हम इसको थोड़ा सा क्विकली आगे चलेंगे। ड्रेस वगैरह भी नहीं याद करने की जरूरत है। नेशनल स्पोर्ट्स हमारा कौन सा है, लोगों को लगता है क्रिकेट है, नहीं, हालांकि हमारा क्या है, हॉकी। तीन आर्म फोर्सेस हैं आपके पास, पाक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ये इतनी ज्यादा जो हिस्ट्री है इसको आप बिल्कुल ही हटा दीजिएगा, हिस्ट्री मत पढ़िएगा इसकी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में से ये पता होना चाहिए कि आपका जो करंट प्रेजेंट जो चीफ जस्टिस है ना उसका क्या नाम है। ठीक है, आपके करंट चीफ जस्टिस का नाम क्या है जी, चीफ मिनिस्टर वगैरह सब कुछ पहला याद करें और आखिरी याद करें, मतलब अभी जो चल रहा हो रिसेंटली, ये सारे वन लाइनर लिखे हैं। ठीक है, ड्राइव पे किताब पढ़ी हुई है, हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट, बट ये अपडेटेड नहीं है। मेरी कोशिश है मैं आपको अपडेटेड और वो स्टफ दूँ जो आप बिल्कुल एग्जैक्टली कराची यूनिवर्सिटी के हिसाब से बना, वो आगे मिल जाएगा। ये देखिएगा 118, पाकिस्तान परचेज्ड गवादर फ्रॉम डैश, पाकिस्तान ने गवादर किससे परचेज किया था, ओमान से। ठीक है, सही, अच्छा कुछ इस्लामियत के भी इसमें टच होता है, तो इस्लामियत में आप ये देख लेते हैं कि बेसिक बेसिक क्या बातें हैं। नंबर वन इज के इस्लाम के जो हैं वो पांच बेसिक पिलर हैं, राइट, आखिरत, ज़कात, नमाज, रोज़ा, ये सबको पता होता है। हज परफॉर्म करने के इधर जाते हैं ये आपको पता है, ज़कात का आपको कंसेप्ट होगा, ज़कात कितने तोला सोना और कितने तोला चांदी का हिसाब होता है, 7.5 तोला सोना होता है, 52 तोला चांदी होती है। इसी तरह से
कौन से पैगंबर थे और उन पे कौन सी किताब आई थी, ये बात आप लोगों को पता है? हजरत मूसा पे कौन सी किताब है और हजरत इसराइल, हजरत इसराफिल, जो भी है आपके जो प्रोफेट्स आए उन पे कौन कौन सी किताब है? क्योंकि ये अगर एमसीक्यू आ जाए तो फिर समझ लें बोनस है आपके पास। ओके, एक ये सवाल आता है इस्लामिक मंथ का। अगर मैं आपसे पूछूं जी रमजान इज द डैश मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, क्या आंसर होगा इसका? सबसे ज्यादा ना पता नहीं रमजान ही पूछा जाता है पेपर के अंदर, डिफरेंट जगहों के भी आप पेपर देना तो वही पूछते हैं। नाइन्थ एंड नाइन्थ, नवा, ठीक है, ये नाइन्थ है। इसी तरह से मुहर्रम पहला होता है और आखिरी भी आप देख लीजिएगा। असल में जो बुक्स होती है ना, कारवान, डोगर, या ये वाली जो मेरे पास है, हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट, ये हर एग्जाम के लिए बनाते हैं, लाइक वन मेडिसिन फॉर ऑल द इल्स, तमाम बीमारों के लिए एक। हालांकि ऐसा नहीं होता, तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें से ऑब्सोलीट करनी होती हैं। हर कुछ आप पढ़ने बैठोगे एक दो साल लग जाएंगे आपको, ये ख़त्म नहीं होगी। ओके, कुछ फेमस मॉस्क हैं उनके नाम आते हैं, जैसे मस्जिद अल हराम मक्का में है, ये सबको पता है, मस्जिद नबी मदीना में है, ये बात पता है, अल अक्सा का नहीं पता बच्चों को, इसको लिख लीजिए। मस्जिद अल अक्सा जो है ना, ये है जेरूसलम, इसको ज़बरदस्ती कहते हैं कि इसराइल का कैपिटल है, हालांकि नहीं है, तो अल अक्सा जेरूसलम इसको लिख लें। यहाँ बहुत ज़्यादा फसादात भी हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है यहाँ पे। अच्छा, ये इस तरह से नहीं पूछेगा कि इमाम अली का इराक में है और ये ग्रेट मॉस्क, ये इतना नहीं खास पूछेगा, ये मस्जिद अल अक्सा थी वो इम्पोर्टेंट थी। ओके, कुछ कंट्रीज हैं जैसे अफगानिस्तान का बेटा कैपिटल क्या है, क्विकली पता होगा आपको, अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है? काबुल, गुड। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? बताया था मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा था बेटा, कैनबेरा। बांग्लादेश का ढाका है, कनाडा का क्या है? नहीं टोरंटो नहीं, ओटावा है, ओटावा। हाँ ये वो है जो हम लोग कॉमनली जो है ना वो गलत कर देते हैं इसको, इस वजह से मैं आपको ये वाले करवा रहा हूँ जो कि बड़े कॉमन कॉमन से है ना, जो वो पूछ सकते हैं। फ्रांस का पेरिस है, ईरान का तेहरान, इंडिया का दिल्ली, नेपाल का खटमंडू, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन, देखिए न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है, उसके बाद पाकिस्तान इस्लामाबाद हो जाएगा। कतर का भी देख लीजिएगा, कतर का दोहा है, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है फुटबॉल वर्ल्ड कप, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये इसको भी थोड़ा सा अगर लाना चाहें तो इसको ला सकते हैं, कतर का लिख लें दोहा। सऊदीया का रियाद है। अच्छा, कुछ ऐसे कंट्री हैं जिनके दो से ज्यादा भी हैं, सही है, उसमें श्रीलंका शामिल है, उसमें साउथ अफ्रीका शामिल है, तो इसका तैयार नहीं कीजिएगा, परेशान ही रहेंगे फिर आप लोग। अच्छा, जब आप किताब खरीदते हैं ना, दो कैपिटल, हाँ इनके दो कैपिटल होते हैं, एक वो बनाते हैं अपना जिसमें पार्लियामेंट वगैरह होती है, पॉलिटिक्स जहाँ पे है आपका सारा, जैसे हमारा इस्लामाबाद है, तो वो लोग बनाते दो कैपिटल, एक इकोनॉमिक हब होता है इनका और एक वो वाला होता है, तो ये कुछ कंट्रीज ऐसे हैं। बाकी फिर इंडोनेशिया है, वो अपने कैपिटल चेंज करता रहता है, तो ये पाकिस्तान और इंडिया है जहाँ पे फिक्स है, लेकिन बाकी कंट्रीज है ना मेजॉरिटी वो थोड़ा थोड़ा इसमें क्या करते हैं, रद्दोबदल लाते रहते हैं। अब जब आप किताब परचेस करते हैं ना पूरी के पूरी, तो ये सारी चीज़ आती है, टॉलेस्ट पर्सन और ये जो आपको नहीं करने होते इसके अंदर। ये वाला एक सवाल है, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? ठीक है, सहारा डेजर्ट है। सहारा जो है वो
लार्जेस्ट है, बट अगर वो पोर्शन है कोल्ड, कोल्ड डेजर्ट क्या होता है, जहाँ की आपने देखा होगा मट्टी व्हाइट व्हाइट है, हवा चलती रहती है, वो है अटाकामा डेजर्ट। देखिए ये डी पे लिखा है ना, दिस इज अटाकामा डेजर्ट जो है, ये कोल्ड में आ जाएगा आपके पास। और ये फिगर फैक्ट्स ऐसे हैं जिसको आप चेक भी कर सकते हो, गूगल कर लिया करो फॉरन। ये बुक मैं पूरी के पूरी ड्राइव में डली हुई, लेकिन फायदा नहीं है आपको। अब आप देख रहे हैं मैं कितना ज्यादा इसमें चीजों को ऑब्सोलीट कर रहा हूँ। ये काम का ये मुझे दिखाना था आज आपको कि 2021 के पेपर में कम से कम 3 से 4 आई हुई हैं एब्रीविएशन, ठीक है, लेकिन उसमें से भी आपने बहुत सारी स्किप करनी है, सारी नहीं करनी होती। आए जरा साथ मिलकर देखें कि कौन कौन सी हमने इसमें करनी है। यहाँ वाली तो तकरीबन सारी फारिग हैं। ये देख लो बेटा, एड्स जो है ना, एड्स की फुल फॉर्म ये लिखो अपने पास, और ये ए आई है, इसको लिखो एड्स और ए आई। आप लोग नोट्स बना रहे हो प्रॉपर जीके या सिर्फ लेक्चर ले रहे हो बैठ के? गुड, बनाओ और फिर इसको ताकि फिर बाकियों के साथ भी शेयर कर देना, जो नहीं पढ़ रहे ना उनके साथ शेयर कर दो। ओके, उसके बाद आप आ गए। ये सारे ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। ATM लिख लो, ये ATM उसने पूछा नहीं, आ सकता पेपर में। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब इसी तरह इन्होंने कुछ ऐसी बिल्कुल फजूल सी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं, जैसे बीपी ब्लड प्रेशर है, ये नॉर्मल बच्चे को पता होती है सारी बात, हम इसके अंदर इतना डाइव नहीं करेंगे। अब आप इसमें से देखो जरा, सीपीयू का आपको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, राइट, इसमें कम उतना नहीं है कोई। ईयू यूरोपियन यूनियन को कहते हैं, इसमें तकरीबन 29 कंट्रीज शामिल हैं। ठीक है, ये 29 कंट्रीज हैं, ये यूरोप के जितने भी कंट्री हैं वो शामिल हैं, और इनका एक बना हुआ सिलसिला। अच्छा जी, सबसे आपके पास है पार्ट ऑफ, लिख लीजिएगा अपने पास FATF, जैसे पाकिस्तान को बाहर निकाला है ना, वो इधर शायद मेंशन नहीं है, लेकिन इसको आप लिख लें FATF। पार्ट ऑफ आपके पास होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, ठीक है। अच्छा, फिर आप लोग देखोगे जब आप कंप्यूटर में पिक्चर सेव करते हो ना, उसके बाद आगे लिखा हुआ है JPEG या PNG, ये सारी चीजें क्या है, ये फुल फॉर्म्स हैं किसकी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, इसको भी लिख लो अपने पास। ठीक है, इसी तरह से आपके पास अभी जो आई हुई थी वो कंप्यूटर बेस नहीं चाहता, ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो कंप्यूटर बेस आई हुई थी। मैंने आप लोगों को कुछ बताई भी थी, जैसे आप WWW जो वर्ल्ड वाइड वेब है, सही है, ये जो है WWW वर्ल्ड वाइड वेब है। अब आप लोग जो है ना इससे रिलेटेड निकाल लो, जैसे मैंने बताया था USB हो गया, RAM, ROM, ATM, IMF, Wi-Fi, इंटरनेट में अगर कोई और टेक्नोलॉजी आ रही तो उसके बारे में पता होना चाहिए, मेटा के बारे में पता हो कि मेटावर्स क्या है, फेसबुक का नाम चेंज हुआ, ये सारी। सही, और एक लास्ट चीज है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज क्या होता है, नोबेल प्राइज आपके पास होता है ये एक 6 कैटेगरीज है आपके पास, ठीक है,
छह कैटेगरीज के अंदर पूरी दुनिया से इनवाइट किया जाता है लोगों को, उनके रिसर्च वर्क, उनकी पब्लिकेशंस को देखा जाता है, और फिर एंड में उनको पूरी यानी दुनिया में टॉप उन्होंने किया होता है एक तरीके से। तो ये स्टार्ट हुए थे 1901 में, ठीक है, 1901 में स्टार्ट हुए हैं ये छह कैटेगरीज के अंदर मिलते हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन है, इकोनॉमिक है, पीस है, लिटरेचर है, इनके अंदर ये मिलते हैं। आपको डिटेल कोई याद करने की जरूरत नहीं किसको कब मिला और क्या था और उसका नाम। जी हसन बोले। 1901, 1901। अच्छा, जिस तरह मैं आगे गेम के पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंट ये गेम्स के बारे में, क्रिकेट है, फुटबॉल है तो आप जवाब दे दोगे, लेकिन कोई ऐसा स्पोर्ट आता है, टेबल टेनिस हो गया, तो एक बार पूछा हुआ था कि टेबल टेनिस का दूसरा नाम क्या है, सही है, तो इसको पिंग पोंग कहते हैं, PING, पिंग, PONG, पोंग, पिंग पोंग, इसका दूसरा नाम, जाहिर है चाइनीज की इजाद सारी, सही है जी। यहाँ तक थी आपकी कुछ स्टैटिक जी के, हमने ओवरव्यू किया, हर चीज हमने इसके अंदर देख ली। बाकी अब कोशिश ये करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नवंबर का मिड हो जाएगा, तो अब हम कोशिश करेंगे हम करंट अफेयर्स के ऊपर काम करें, फेडरल मिनिस्टर्स को पढ़ें, क्लाइमेट चेंज को पढ़ें, ग्लोबल ऑर्डर देखें। बाकी आप लोग जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो से करते रहें, बाकी इंशाल्लाह जो टेस्ट होगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, कौन सा टेस्ट किस दिन होगा, आप लोग अपनी अपनी जो है ना परफॉर्मेंस मुझे बताते रहिए। सही है जी, कुछ सवाल तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं।